फोकस एक ऐसी चीज जिसकी हम सबको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमारे पास इस चीज को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रैक्टिकल गाइड नहीं है। हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें जिसकी मदद से हमारा फोकस इंक्रीज हो और हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आया हूँ जिससे आपको फोकस के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। द आर्ट ऑफ फोकस बुक, जिसको डैन कॉय ने लिखा है। इस बुक को मैंने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस बुक का पहला पार्ट है द गेम ऑफ लाइफ। अपने आप से अभी एक सवाल पूछिए कि आपकी लाइफ नॉर्मल क्यों है, उसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज, करियर, फैमिली, कुछ भी हो, उसमें आप वो चीजें अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप वही सारी चीजें कर रहे हैं जो इस सोसाइटी ने या आपके आसपास के लोगों ने आपके लिए डिसाइड कर दी। आप उन चीजों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को वो चीजें कंफर्टेबल लगती है। इस चीज को डैन कॉय अपनी बुक में द गेम ऑफ लाइफ के नाम से कहते हैं। ये चीज एक ऑटो पायलट की तरह है, मतलब जिस तरह से एक प्लेन ऑटो पायलट पे उड़ता रहता है, उसी तरह से आप अपनी जिंदगी में बड़े होने पर उसी रास्ते को फॉलो करते जाते हो जिस रास्ते पर बाकी सारे लोगों को चलते हुए आप देखते हो। अब इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप सच में उस रास्ते पर चलना चाहते हो, अगर आप सच में वो करना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा फिर क्यों है कि सेम रास्ते पर चलने पर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है और बहुत सारे लोग उसी रास्ते पर चलने पर फेल हो जाते हैं, और अगर सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो वो खुश नहीं रहते, क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो उनकी सोसाइटी ने, उनके आसपास के लोगों ने उनके लिए डिसाइड कर दिया, और वो इससे बाहर इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जैसे ही वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके आसपास के लोग, उनकी सिचुएशंस उन्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाती है। एक चीज याद रखिए, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ करने का पोटेंशियल है, लेकिन आपको उन चीजों को सबसे पहले पकड़ना होगा जिन चीजों के पीछे आप अनअवेयरली भाग रहे हो। और आपको बहुत बार ये लगेगा कि ये चीजें मैं खुद करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये लोग इस चीज को कर रहे हैं तो मुझे भी ये चीज करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इस रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। वो हर रोज ये सोचते हैं कि मैं इस रेस से बाहर निकलूं और मैं अपना कुछ अलग काम करूं, या अपने ऊपर फोकस करूं, अपने लिए अच्छी चीज पर फोकस करूं। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास बहुत ज्यादा समय है। यहाँ पर मुझे भगवान बुद्ध का एक कोट याद आता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको लगता है आपके पास बहुत ज्यादा समय है। आपकी जिंदगी एक बहुत ही अनमोल चीज है। आपकी जिंदगी की हर एक मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। हर एक चॉइस आपकी जिंदगी को बनाती है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपकी मदद कर सकती है इस जगह से बाहर निकलने में। ये सब कुछ आपकी चॉइसेस, एक्शन, डिसीजन, इन चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मार्क नाम का लड़का जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो अपने करियर में भी सब कुछ अच्छा ही कर रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से खुश भी नहीं था। वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, सब कुछ फैमिली में भी अच्छा था, लेकिन कुछ ना कुछ कमी अभी भी उसके अंदर थी। उसका बचपन से सपना था कि वो एक बहुत बड़ा सिंगर बने, वो अपनी आवाज में लोगों को गाने सुनाए, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाया। और अभी तक उसके दिल में यह बात थी, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि ना तो उसे म्यूजिक की नॉलेज थी और ना ही उसे सिंगिंग आती थी। लेकिन एक दिन जब वो काम से बहुत ज़्यादा थक गया, जब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने काम से ब्रेक लेगा। उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली और एक अकेली जगह पर, जहाँ पर ना उसके पास सोशल मीडिया हो, ना लैपटॉप्स हो, ऐसी जगह पर गया। और वहाँ पर वो कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनको म्यूजिक की, सिंगिंग की अच्छी नॉलेज थी। वहाँ पर उसने उस नई चीज़ को करने की कोशिश की। स्टार्टिंग में उससे लगा कि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नई थी। लेकिन जब वो उस छुट्टी से वापस आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाद उसने अपना म्यूजिक, अपने गाने लॉन्च किए और वो एक बहुत सक्सेसफुल सिंगर बना। ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मैं इस कहानी से आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम उसे इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। और मैं भी ये नहीं कहूँगा कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि
आपको भी अपने घर पर पैसे देने हैं, अपना खर्चा चलाना है, लेकिन आपके दिल में कुछ ना कुछ गोल होगा जो आप करना चाहते हो, और अगर आपको उसको करना है तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसके लिए समय निकालना होगा। जैसे जैसे आप अपने सोशल मीडिया के टाइम को और अपनी बाकी टाइम को सिर्फ अपने उस दूसरे पैशन पर लगाना शुरू करोगे, आप ये रियलाइज करोगे कि जो चीज़ आपको ये लग रही थी आप उसको नहीं कर पाओगे, वो आपके लिए आसान बनती जाएगी। लेकिन अगर आपको सच में इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको एक चीज़ को समझना होगा कि सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ किसी काम को इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें ये लगता है कि वो किसी दूसरी चीज़ में कम मेहनत में सक्सेसफुल बन जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस काम को छोड़ के उस काम में चला जाऊंगा, वहां पर कम मेहनत से ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला। इसलिए अपने आप से सही सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सिर्फ मैं आलसी हो गया हूँ या सच में मुझे इस काम के अलावा भी कुछ और करना है, ये आपको अपने आप से पूछना होगा। जब तक आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, तब तक आप सही तरीके से सही जगह पर फोकस नहीं कर पाओगे। ये इस बुक का एक पार्ट था। इस बुक का दूसरा पार्ट है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फोकस। ऑथर कहते हैं कि फोकस कोई जादू नहीं है जो किसी के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। ये एक बॉडी मसल की तरह है। आप इसको जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा। आपको याद होगा ब्रूस ली क्या कहते थे कि एक मूव को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आप उस मूव में सबसे अच्छे बनते जाओ। यही चीज़ आपको अपने फोकस के साथ भी करनी है। यहाँ पर ऑथर एक प्रोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताते हैं, मतलब 25 मिनट एक चीज़ पर फोकस कीजिए और फिर छोटा सा ब्रेक लीजिए। इस चीज़ को बॉडी बिल्डर्स और जो लोग जिम करते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। वो कुछ देर के लिए एक मसल को ट्रेन करते हैं, फिर थोड़ा सा गैप लेते हैं। इसी तरह से आपको अपने दिमाग को और अपने फोकस मसल को ट्रेन करना होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी याद रखिए कि फोकस सिर्फ विल पावर के बारे में नहीं है कि मैंने सोच लिया कि मैं तो फोकस करके रहूँगा। आप फोकस तभी कर पाओगे जब आपके पास एक क्लियर गोल होगा, एक स्मार्ट गोल होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें अमीर बनना है, वो करोड़पति बनना चाहते हैं। ये आपका गोल नहीं है, ये आपकी एक इच्छा है। गोल होता है जिसको आप लॉजिकली कुछ समय के अंदर पूरा कर सको। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए मार्क डिसाइड करता कि उसे एक फेमस सिंगर बनना है, लेकिन वो उससे जुड़ी हुई कोई भी स्किल नहीं सीखता, तो क्या वो एक फेमस सिंगर बनता? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह से बहुत सारे लोग आज ऐसे ही गोल डिसाइड करते हैं। किसी क्रिकेटर को देख के सोचते हैं मुझे इस क्रिकेटर की तरह बनना है, किसी इन्फ्लुएंसर को देख के सोचते हैं मुझे इस इन्फ्लुएंसर की तरह बनना है, और हर रोज वो किसी अलग इंसान को देखकर उसकी तरह बनने की सोचते हैं। लेकिन आपको किसी की भी तरह बनना है, आपको ये समझना होगा उससे जुड़ी हुई स्किल्स, उससे जुड़ा हुआ टाइम, आपको उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एथलीट बनना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक एथलीट बनूंगा जिसको कोई भी नहीं हरा पाएगा। नहीं, अगर आपको प्रैक्टिकल गोल बनाना है तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं कल से शुरुआत करूंगा और कल मैं 100 मीटर 200 मीटर भागूंगा। ये एक शुरुआत है। इसी चीज़ को स्मार्ट गोल्स कहा जाता है। धीरे धीरे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओगे वैसे वैसे आप एक अच्छे एथलीट बनते जाओगे। आपको इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना होगा। आपका फोकस आपके गोल्स से या जो भी आप करना चाहते हो उससे इसलिए दूर होता है क्योंकि आप उन चीज़ों को इतने बड़े लेवल पर डिसाइड करते हो कि आपको एक समय पर वो इम्पॉसिबल लगने लगती है। मतलब इमेजिन कीजिए, आज जो इंसान महीने का 20,000 नहीं कमा रहा और वो गोल डिसाइड करता है कि मैं महीने का 10 करोड़ कमाऊंगा। मैं आपसे नॉर्मली एक बात पूछता हूँ कि हो सकता है उसके अंदर एक दो दिन के लिए कुछ मोटिवेशन रहे, लेकिन जब वो अपनी रियलिटी देखेगा तो क्या वो डिमोटिवेट होगा? हाँ, वो डिमोटिवेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या वो करोड़पति नहीं बन सकता? क्या वो अमीर नहीं बन सकता? वो अमीर बन सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ के बारे में सोचना होगा। अगर मैं अभी 20,000 कमा रहा हूँ
30,000 कमा रहा हूँ तो मेरा गोल होना चाहिए कि मैं 20,000 से 25,000 या 30,000 पर कैसे पहुँचूँ। आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली 1 to 10 पर नहीं जाती है, आपको 1 से 2 पर आना होगा, 2 से 3 पर आना होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने स्टेप्स डिसाइड नहीं किए तो आप 10 पे तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन जो आप थोड़ी बहुत ग्रोथ भी करने वाले थे वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका कोई हेल्थ गोल है, बिजनेस गोल है, कोई भी गोल है, वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपको स्मार्ट गोल्स डिसाइड करने होंगे। मैं 20,000 कमाता हूँ, अगले 3 महीने में मैं कैसे अपनी इनकम को 20,000 से 25,000 कम ले जा पाऊंगा। ये गोल लॉजिकल है, इस पर आप फोकस भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आपको ये पता होगा कि 5,000 अपनी इनकम में बढ़ाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी जगह 10 लाख 10 करोड़ जोड़ देते हो तो ये चीज़ आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगी। जब आप उसको नहीं कर पाओगे आप डिमोटिवेट होंगे और फिर आप अपने आप को कोसने लगोगे कि मैं हमेशा यही ज़िंदगी जीता रहूँगा। इसलिए अगर आपको फोकस को मास्टर करना है तो इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, वरना आप सही चीज़ों पर कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं इस बुक के लास्ट पार्ट के बारे में, क्रिएटिंग योर आइडियल फ्यूचर। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचिए, एक लॉजिकल, जिसको आप अपने 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अचीव करना चाहते हैं। एक लॉजिकल फ्यूचर जो आपको देखकर ये लगता है कि हाँ, मैं 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर या कुछ सालों के अंदर वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। वो कैसा महसूस होता है, वो कैसा दिखता है, उससे आपको क्या खुशी मिलती है, इस चीज़ को विजुलाइजेशन एक्सरसाइज कहते हैं। और ये आपकी एक फाउंडेशन है आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। इसलिए इस चीज़ को समझिए कि फ्यूचर इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि आप उस चीज़ को लॉजिकली भी प्रोसेस कर पाएँ और उस तक पहुँचने की हिम्मत कर पाएँ। आपको मैरी क्यूरी का नाम पता है? मैरी क्यूरी एक ऐसी साइंटिस्ट जिनको एक्सटर्नल रिवर्ट से कुछ लेना देना नहीं था, बस वो आगे बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनके अंदर किसी एक चीज़ को लेकर जिज्ञासा थी, और यही जिज्ञासा आपका फ्यूचर बनाएगी। अगर आप अपने दिमाग को बंद करके रखोगे तो आप कभी भी नई चीज़ें नहीं सीख पाओगे। मैं इससे क्यों सीखूँ, मैं उससे क्यों सीखूँ, जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ है तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर कोई आपका दुश्मन है जिसको आप पसंद नहीं करते, उसके अंदर भी आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ है तो उसको सीखिए, क्वेश्चन पूछिए। भले ही आप उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पाते, लेकिन ऑब्जर्व कीजिए, तभी आप उन चीज़ों को सीख पाएंगे। और अगर आपको उन चीज़ों को सीखना है तो आपको उसके लिए फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फोकस कम होने का एक और कारण ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है लेकिन नॉलेज या समझ बहुत कम। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके बारे में पूरी समझ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे गाड़ी के बारे में पता है कि एक्सीलेटर है, क्या ब्रेक है, क्या क्लच है, क्या गियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गाड़ी चलानी भी आती होगी। ये आपकी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट होता है। आप इंटरनेट से देख कर, हर जगह से देख कर सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है एक्सपीरियंस। वो समझ आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी। इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जब तक पानी शांत नहीं होता तब तक आप उसमें अपना साफ चेहरा नहीं देख सकते। मतलब जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं है तब तक आप उससे अपना आइडियल फ्यूचर नहीं बना पाओगे। इसलिए इस फोकस को क्लियर करने के लिए आपको सारी चीज़ें करनी होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये भी याद रखिए कि सिर्फ अपना पर्पस ढूंढना एक बार का काम नहीं है। ये जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम टू टाइम आपका पर्पस अलग अलग फील्ड में डिवाइड होता जाएगा। अगर आपकी एज अभी 20 के आसपास है तो आपका पर्पस होगा एक अच्छा करियर बनाना। जब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी, आपकी शादी हो जाएगी, तब आपका पर्पस होगा एक अच्छी फैमिली रखना। जब आप उससे भी और आगे एज में निकल जाओगे तब आपका पर्पस कुछ और हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को समझिए। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, डरना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी
डर इस जिंदगी का एक नेचुरल पार्ट है। जो भी चीज़ आपको नहीं पता है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको डराती है। और ये सबके साथ होता है। आपको ये लॉजिकली समझना होगा कि डर सबको लगता है, लेकिन उसको जब तक आप फेस नहीं करते तब तक वो डर दूर नहीं होता। आप अपने दिमाग को झूठा दिलासा दिला के कि मैं इस चीज़ से नहीं डरता, आप उस डर को ख़त्म नहीं कर पाओगे जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करोगे। चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। इसलिए आपको ये समझना होगा कि डर एक नेचुरल चीज़ है और उसका आप अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हो उस चीज़ को फेस करके जिससे आप डरते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखिए, मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज़ है। आपको मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। बहुत बार जो हम करना चाहते हैं हम वही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें उस चीज़ में रिजल्ट नहीं मिलता तो हम डिमोटिवेट फील करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छा फील करवा सकती है, लेकिन मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा पाएगी। आपको अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार करना होगा कि चाहे अच्छा रिजल्ट मिले या ना मिले, मैं मेहनत करूँगा। और एक चीज़ याद रखिए, आपका फोकस तभी अच्छा रहेगा जब आप लॉजिकल गोल डिसाइड करोगे। फोकस बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन उन सब चीज़ों को तभी आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे जब आपके पास एक क्लियर गोल होगा। अगर क्लियर गोल नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप उस फोकस को सही जगह पर नहीं लगा पाओगे। और याद रखो, सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ लो उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही।